नमस्कार, अपने सुन रहल छी मिथिला मिरर वेब रेडियो और हम छी ललित नारायण झा। धीरे धीरे कोरोना महामारी गंभीर रूप लेने जा रहल है। देश में आब संक्रमित रोगी की संख्या बढ़कर 23,077 भ गेल, जखन कि 4,749 गोटे एखन धरि ठीक भ कऽ घर वापस जा चुकल छथि। एहि बीमारी से 718 गोटे के जान सेहो जा चुकल छनि। तऽ पछिला 24 घंटा में 1684 गोटे नव रोगी भेटला अछि, जखन कि 37 गोटे के मृत्यु सेहो भ गेलनि। एखन देश में सक्रिय रोगी की संख्या 17,610 है, जखन कि पछिला 24 घंटा में इस संख्या में 1,156 के वृद्धि दर्ज कयल गेल। बिहार में दंगा और दंगाई पर लगाम लगेबाक लेल बिहार पुलिस एकटा निर्णय कयलक है, जो दंगाई के विरुद्ध कयल गेल कार्रवाई के सार्वजनिक कयल जायत। एडीजी स्पेशल ब्रांच JS गंगवार जानकारी देत कहला जे इससे अपराध में कमी आओत और अपराधी लोकन के मन में पुलिस के प्रति डर सेहो जगतनि। एहि के संदर्भ में प्रत्येक जिला के पुलिस अधीक्षक के आदेश दऽ देल गेलनि अछि। आब देखबाक बात ई छै जे एहि से पुलिस के अपराध रोकबा में कतेक सफलता भेटतै, ई तऽ समय बताओत। बिहार में अब 9 दिन में राशन कार्ड बनिकर तैयार भ जायत। एहि में कोनो त्रुटि भेला पर एकर संशोधन 7 दिन में कऽ देल जेतै। राज्य सरकार द्वारा जारी कयल गेल आदेश के मुताबिक जीविका कार्यकर्ता घरे घरे राशन कार्ड के आवेदन लेती और ब्लॉक में जा वीडियो कार्यालय में जमा करती। प्राप्त आवेदन के जांच आ अनुशंसा 2 दिन में प्रखंड विकास पदाधिकारी और 7 दिन में अंचल अधिकारी करता। बता दी जे पहले राशन कार्ड बनेबाक लेल अनुशंसा लेल 1 महीना के समय सीमा छल और संशोधन के लेल 15 दिन निर्धारित कयल गेल छल। बिहार में लॉकडाउन के बावजूद नीतीश राज्य में लॉकडाउन के धज्जी उड़ाओल जा रहल अछि। बिहार में एहन विषम परिस्थिति होइ तो VVIP जमात लेल कोनो तरह सख्ती नहीं देखल जा रहल अछि। पहले नालंदा के भाजपा विधायक के बाद मुजफ्फरपुर के निगम पार्षद के कोटा से अपन बच्चा आने लेल पास देल गेल। बाद में भोजपुर के सदर SDO अरुण प्रकाश सेहो थोक भाव में पास बांट रहल छथि। एहि खबर के बाद विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहल अछि जे कोन आधार पर हिनका सबके पास जारी कयल जा रहल छनि। बिहार पुलिस मुख्यालय में ADG जितेंद्र कुमार जानकारी देलनि जे अररिया जिला के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ अररिया थाना में एकटा केस दर्ज कयल गेल अछि, जाहि में हुनका ऊपर एकटा होमगार्ड जवान संग बदसलूकी और सार्वजनिक बेइज्जती करबाक आरोप लगाओल गेल अछि। मालूम हुए जे 2 दिन पहले गणेश तत्वा नामक एकटा होमगार्ड जवान संग दुर्व्यवहार के मामला सामने आयल छल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर लॉकडाउन उल्लंघन करबाक आरोप लागि रहल छन। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वो अपन गांव गया जिला के मनहार से नालंदा होइत 7 गाड़ी के काफिला लौ पटना आयला और हरेक गाड़ी में 4 सवारी बैसल छल। एतबे नहीं, सरकारी एस्कॉर्ट गाड़ी के अलावे काफिला में किछ निजी गाड़ी सेहो शामिल छल। मीडिया द्वारा सवाल केला पर वो भड़क गेला और कहला जे हमर तुलना आम लोग संग नहीं हेबाक चाही। बिहार में लॉकडाउन के बावजूद अपराधी सबक हौसला बुलंद अछि और अपराध में कमी नहीं देखना जा रहल छै। एहन में पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठब निश्चित अछि जे आखिर एतेक चौकसी के बाद अपराधी कोना घटना के अंजाम दऽ दैत अछि। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिलाक राघोपुर के अछि, जतय गणपति गैस एजेंसी के कर्मचारी मनोज कुमार के गोली मारि हुनका से करीब 70,000 रुपया लूटि लेलक और हवाई फायरिंग करैत अपराधी ओहिठाम से फरार भ गेल। घायल के दरभंगा स्थित DMCH अस्पताल में भर्ती कराओल गेल अछि, जतय हुनक स्थिति नाजुक बताओल जा रहल छनि। कोरोना के प्रति स्वास्थ्य विभाग के एकटा पैघ लापरवाही सामने आयल अछि। समस्तीपुर जिला के अनुमंडल अस्पताल में खांसी या बुखार के शिकायत ला आयल और रोगी के बिना कोनो पड़ताल के सदर अस्पताल रेफर कर देल गेल, जतय रोगी के 3 घंटा धरि इलाज लेल भटकैत पड़लनि। बाद में परिजन द्वारा हंगामा कयलाक बाद डॉक्टर देखलक, ताधे रोगी के निधन भऽ गेल छलनि। बाद में कोरोना जांचक लेल मृतक के सैंपल लऽ लेल गेल। सबसे बड़का लापरवाही तखन देखल गेल जे रिपोर्ट के इंतजार केने बिना लाश के परिजन के सौंप देल गेलनि। बिहार के पाटलिपुत्र स्टेडियम में 100 बेड के अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाओल जायत। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि के अनुरोध पर बिहार सरकार एहन तरह फैसला लेलक अछि। कला संस्कृति एवं युवा खेल मंत्री प्रमोद कुमार एकर जानकारी देत कहला जे मंत्रालय द्वारा स्टेडियम में अस्पताल बनेबाक अनुमति दऽ देल गेल अछि। जनतब दी जे पटना में कोरोना पॉजिटिव रोगीक संख्या में पछिला 3 दिन से लगातार वृद्धि भऽ रहल अछि। मुंबई दिल्ली के बाद अब बिहार में सेहो स्वास्थ्य पुलिस और मीडिया कर्मी और सब जरूरी सेवा से जुड़ल हरेक व्यक्ति के कोरोना जांच कराओल जायत। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जानकारी देलनि जे जाहि तरह अन्य महानगर में कोरोना वॉरियर्स कोरोना से संक्रमित भऽ रहल छथि, ई चिंताजनक अछि। एहि के कारण राज्य सरकार एहतियातन एहन तरहक फैसला लेलक अछि ताकि कोरोना संक्रमण के चेन के तोड़ल जा सके।
बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ल जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव रोगी के संख्या में जाय तरह वृद्धि देखल जा रहा है। वो निश्चित रूप से राज्य सरकार के चिंता बढ़ा दिलक है। मुख्यमंत्री इस संबंध में राज्य के उच्च अधिकारी लोकन संग एक बैसार कलन जा में अही लसर के कोना रोकल जाए अही पर बातचीत भेल। राज्य में पिछला 3 दिन में 5 नव जिला एक चपेट में आबि गेल और आप कुल 18 जिला में ई रोग पसर चुकल है। एतबे नहीं, रोहतास में एक संग 7 रोगी और पटना में 8 रोगी अला से लोग सब में गंभीर चिंता देखल जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कल गए आंकड़ा के मुताबिक 22 अप्रैल धरि राज्य के विभिन्न जिला में 3,58,64,310 लोग के घरे घरे जा स्क्रीनिंग कल जा चुकल है। स्क्रीनिंग के दौरान 2,254 लोग में सामान्य सर्दी खांसी या बुखारक लक्षण देखल गए जाय में 18 से 4 लोग के सैंपल जाँच लेल भेज देल गेल। राज्य सरकार लेल चिंता के विषय ई है जे दिन प्रतिदिन कोरोना नव जिला में पसर रहा है। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जारी कल गए आंकड़ा के मुताबिक 23 अप्रैल के दिन के 10 बजे धरि कुल 13,843 सैंपल के जांच कल गए। बुध दिन कुल 865 सैंपल के जांच कल गए। तब बृहस्पति दिन इस संख्या 1,240 छल जाहि में बृहस्पति दिन कुल 17 पॉजिटिव रोगी पाओल गया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक जाँचक संख्या बढ़ाओल जा रहा है ताकि रोगी सबक पहचान भ सकत और संक्रमण के चेन तोड़ल जा सकत। बिहार में कोरोना रोगी की संख्या बढ़कर अब 170 भ गेल अछि। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार जानकारी देलनि जे बृहस्पति दिन पाओल गेल 27 नव रोगी में से 6 रोहतास के, 8 पटना के, 8 कैमूर के और 4 सदर बाजार मुंगेर के, 1 सिवान के रहनिहार छथि। नव पाओल गेल रोगी में 8 पुरुष और 13 महिला छथि। राज्य लेल चिंता के बात ई है जे बच्चा सब सेहो ओहि रोग से संक्रमित भ रहल छथि। जाहि तरह कोरोना अपन पैर पसारि रहल अछि ओ दिन दूर नहीं जे बिहार के आधा से बेसी जिला एकर चपेट में आबि जायत। एखन धरि कुल 18 जिला में कोरोना पॉजिटिव रोगी पाओल गेल अछि। एहन में जो जिलावार कोरोना रोगी के बात करी तो मुंगेर और नालंदा में 31, सिवान में 30, पटना में 24, बेगूसराय में 9, बक्सर और कैमूर में 8, रोहतास में 7, गया और भागलपुर में 5, नवादा और गोपालगंज में 3, सारण, बांका, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, वैशाली, लखीसराय में 1 कोरोना पॉजिटिव रोगी छथि। मुंगेर में पिछला 3 दिन से कोरोना पॉजिटिव रोगी की संख्या बढ़ल जा रहा है। यही कारण जिला प्रशासन में हड़कंप मचल है। स्थिति के देखे जिला के दोनों हॉटस्पॉट जमालपुर और सदर बाजार के सील कर देल गेल है। संगे स्थिति के निगरानी ड्रोन से कैल जा रहा है। जिलाधिकारी राजेश मीणा जानकारी देत कहला जे पिछला 3 दिन में 24 कोरोना पॉजिटिव रोगी पाओल गेल है। आब जिला में कुल रोगी की संख्या 31 भ गेल है। एहिमे से 1 के निधन पहले भ चुकल छनि और 6 गोट रोगी ठीक भ अपन घर जा चुकल छथि। स्थिति के देखे जिला के आइसोलेशन सेंटर के सेहो निरीक्षण कयल जा रहल अछि। मुंगेर के बाद बिहारक नालंदा सेहो हॉटस्पॉट बनि गेल अछि। नालंदा में आन जिला के अपेक्षा और तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ल जा रहल अछि। जिलाधिकारी नीलेश कुमार के मुताबिक जिला में एखन धरि कुल 31 कोरोना पॉजिटिव रोगी पाओल गेल अछि। एहि के देखैत नालंदा और बिहार शरीफ के 3 इलाका के सील कऽ देल गेल अछि और पुलिस बल तैनात कऽ देल गेल अछि। जिलाक खासगंज, शेखना और सकुना मोहल्ला के पूर्ण रूप से सील कयल गेल अछि और एहि क्षेत्र में ड्रोन कैमरा से निगरानी सेहो कयल जा रहल अछि। सिवान, नालंदा, मुंगेर के बाद पटना सेहो रेड जोन बनल जा रहल अछि। एक दिन में 16 कोरोना पॉजिटिव रोगी भेटला से लोग सब डरा गेल छथि। पटना के खाजपुरा में 14, जगदेव पथ में 1 और बख्तियारपुर में 1 रोगी भेटलाक बाद प्रशासन एहतियातन खाजपुर के पूर्णतः सील कऽ देलक और DM कुमार रवि के निर्देश पर भोर में मात्र 2 घंटा लेल ढील देल जायत। बता दीजिए एखन धरि पटना में कुल कोरोना पॉजिटिव रोगी की संख्या 24 अछि जाहि में से 6 गोटे ठीक भ घर वापस जा चुकल छथि। दरभंगा में मुंगेर से आयल एक बैंक मैनेजर के दरभंगा के DMCH अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराओल गेल अछि। दरअसल जिला गौड़ा बोराम प्रखंड में कार्यरत बैंक मैनेजर अपन ड्यूटी ज्वाइन करबाक लेल मुंगेर से आयल छला। जखन लोग के पता चलल जे हिनकर एकटा में कोरोना पॉजिटिव छथि तहन आनन फानन में प्रशासन एहतियातन हिनका आइसोलेशन में भेज देलक। DMCH अस्पताल के अधीक्षक राज रंजन प्रसाद के मुताबिक हिनकर खून के लॉ जाँच के लेल भेज देल गेल अछि और बाकी रिपोर्ट अखन एनआई बाकी है। मधुबनी के जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे कोरोना से जुड़ल जानकारी साझा करैत कहला जे जिला में आज धरि कोनो कोरोना पॉजिटिव रोगी हेबाक पुष्टि नहीं भेल अछि। एखन धरि जिला से 325 रोगी के सैंपल लॉ जांच लेल पठाओल गेल अछि जाहि में से 72 रिपोर्ट आयब एखन बाकी अछि। प्राप्त भेल रिपोर्ट में सब रिपोर्ट नेगेटिव है। अब जिलाक विभिन्न प्रखंड में सैनिटाइजेशन काज चल रहा है और जिला से सटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी सेहो बढ़ा देल गेल अछि।
बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जिला के विभिन्न आइसोलेशन सेंटर और आपदा राहत केंद्र के जायजा लेलन। जिलाधिकारी के मुताबिक जिला में एखन धरि करीब 2 लाख परिवार के स्क्रीनिंग कैल जा चुकल है। जिला में 9 कोरोना पॉजिटिव रोगी पाओल गेल है, जाहि में से एकटा ठीक भ अपन घर वापस जा चुकल है। लगातार निगरानी कैल जा रहा है जे कतौ से लॉकडाउन के उल्लंघन नहीं हुए और सरकार द्वारा देल जाय वाला सहायता राशि सेहो लाभार्थी तक पहुँच सकन। बक्सर में कोरोना रोगी की संख्या में बढ़ोतरी देखल जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जारी कैल गेल आंकड़ा के मुताबिक जिला में कुल 346 टीम बनाओल गेल है, जे घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहा है। एखन धरि 40 व्यक्ति में सर्दी खांसी और बुखार सन सामान्य लक्षण भेटल है और इनका लोकनिक खून के जाँच लेल भेज देल गेल है। जनतब दी जिला में एखन धरि 8 कोरोना पॉजिटिव रोगी छथि और इनका संपर्क में आयल लोक सबके सेहो सैंपल जाँच लेल भेजल जा चुकल है। आजुक अंक में एतबे, नमस्कार।